नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड क्वेश्चन है. क्वेश्चन में गिवन है यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ओके विथ रेडियस आर एंड लेंथ एल हैविंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन ओके अबाउट इट्स एक्सिस. अ कॉन्सेंट्रिक सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर डैश इज इक्वल टू आर बाई टू एंड लेंथ एल डैश इक्वल टू एल बाई टू इज कर्व्ड आउट from the original cylinder. If I2 is the moment of inertia carried out portion of the cylinder, okay, it is the moment of inertia of carried out portion of the cylinder, then I1 by I2 is equal to. हमको ratio find करना है. तो अगर हमारे पास एक cylinder है तो उसका moment of inertia I1 हम लिखेंगे m r square divided by 2. है ना, इट विल नॉट डिपेंड ऑन एल, उसके लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा. और अगर हम आई टू की बात करें तो उसमें से हमने यहाँ पर से एल बाई टू लेंथ का आर बाई टू रेडियस का एक सिलेंडर निकाल लिया है तो उसका मास हमने मान लिया एम डैश, रेडियस हो गया आर बाई टू का होल स्क्वायर बाई टू. हमको एम डैश फाइंड करना पड़ेगा. एम डैश फाइंड करने के लिए हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे टोटल मास एम डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू एल. सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम हम यहाँ पर इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस कैर्ड आउट सिलेंडर, तो ये वो होगा उसका रेडियस आर बाई टू का होल स्क्वायर एंड टू लेंथ एल बाई टू. ओके, हमने यहाँ पर ये डेंसिटी फाइंड किया है. डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू मास एम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर इंटू एल. है ना, अगर ये सिलेंडर एल लेंथ का है और रेडियस इसका आर है तो वॉल्यूम कितना होगा दिस. हम यहाँ से पाई आर स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, एल को एल से भी कैंसिल कर सकते हैं. एम डैश का वैल्यू हमको मिलेगा एम डिवाइडेड बाय यहाँ से फोर और यहाँ से टू, दैट इज एट. ओके, एम बाय एट. तो अगर हम दोनों का आई वन बाय आई टू का रेशियो लेंगे यहाँ पर, ठीक है, आई वन बाय आई टू रेशियो लेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कैंसिल हुआ, बाई टू से बाई टू भी कैंसिल हुआ. आई वन बाई आई टू इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एम डैश बाई फोर. ओके, क्योंकि यहाँ पर टू का स्क्वायर है तो फोर हो जाएगा. एम डिवाइडेड बाई एम डैश का वैल्यू हम पुट करेंगे एम बाई एट और ये फोर ऊपर गया. ओके, और ये एट भी ऊपर चला जाएगा, एम से एम कैंसिल, अल्टीमेट फोर इंटू एट हमको मिलेगा, दैट इज इक्वल टू थर्टी टू. तो आंसर आएगा हमारे पास थर्टी.